Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. So, hey guys, welcome back to the channel. तो finally आ चुके हैं new tips and tricks वाली वीडियो के साथ। जैसे कि यहाँ पर 1.6 का अपडेट यहाँ पर आ चुका PUBG Mobile या फिर BGMI का बोलो। जैसे कि कल की डेट पे मैंने सेंसिविटी गाइड दिया था, सेंसिविटी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था और आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ कुछ क्लिप्स आप लोगों ने देख लिया, तो वही सेंसिविटी मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। So, सबसे पहले कुछ ग्रिप्स की बात करते हैं, जो कि सेंसिविटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रिप्स। अगर ग्रिप्स के बारे में अगर आप जान लोगे तो ऑब्वियसली सेंसिविटी रिकॉल जो होती है आप लोगों को बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर आप एंगल ग्रिप को यूज करते हो तो ऑब्वियसली एंगल में यूज करना, यानी कि पिक लेके एक तरफ से राइट से या फिर लेफ्ट से आप एंगल लेकर मारोगे तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आप अपना स्प्रे दे सकते हो। लेकिन आप लोग को यहाँ पर क्राउच होके, यानी कि बैठ के क्राउच होके आप लोग स्प्रे लगाना, हमेशा खड़े होके कभी भी स्प्रे नहीं लगाना, जिसको इन एक्यूरेट स्प्रे बोलते हैं। आप क्राउच होके लगा सकते हैं या फिर आप प्रोन होके लगा सकते हैं, लेकिन सभी जगह में प्रोन का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं, चूंकि अगर 6x को यूज करते तो ऑब्वियसली एडजस्ट में जाकर 6x को 3x करना, और एंगल ग्रिप का यही काम होता है, आप पिक लेकर मारना, ठीक है, एंगल लेकर मारना। अब गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप हाफ ग्रिप को यूज करते इसको बोलते ऊपर की तरफ जाते, उसको बोलते वर्टिकल, लेफ्ट राइट को बोलते हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिकॉल को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको सिंपली क्राउच हो जाना और 6x अगर लगाते हो, 6x को 3x लगा के आप आराम से मतलब बहुत ही इजीली बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आप स्प्रे लगा सकते हो हाफ ग्रिप के यूज करने से, ठीक है। अब गाइस यहां पर बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया जायरोस्कोप, नॉन जायरोस्कोप सभी लोग यूज करते हैं, कोई भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं। तो चलो गाइस यहां पर अब बात कर लेते हैं, जो कि कुछ लोग बोलते हैं क्लोज रेंज के लिए, ठीक है, क्लोज रेंज के लिए कौन सा ग्रिप सबसे बेस्ट है। जो कि यहां पर मैं लेजर साइड ग्रिप आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। मैं क्या गाइस यहां पर बहुत सारे यूट्यूबर के भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जो कि लेजर साइड ग्रिप बहुत ही मस्त होता है, जो कि टीडीएम वगैरह मैचेस में अगर आप एरेना वगैरह खेलते हो तो आप यहां पर M416 चूज करते हो या फिर यहां पर आप M760 को यानी कि बैरल को चूज करते हो, क्योंकि दोनों अगेन क्लोज रेंज के लिए बहुत ही बेस्ट है, जो कि क्लोज रेंज में बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आप गेम प्ले दे सकते हैं। तो चलो गाइस अब बात कर लेते हैं यहां पर, जैसे कि जायरोस्कोप प्लेयर, खास करके आप अपने फोन को डाउन करना, जब भी स्प्रे लगाओ तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ वर्टिकल जाएगी जाएगी, आप फोन को डाउन करना अगर जायरोस्कोप खेलते हो तो। नो जायरोस्कोप अपने फोन को यानी कि थंब से घिस के स्कोप को कंट्रोल अपने आप हिसाब से करना, ठीक है। अब गाइस एक चीज आप लोग जान लेना, बेसिक सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर नो जायरोस्कोप खास करके बोल रहा, कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, कैमरा रोटेशन वाइल रेडियस को हमेशा आप ऑन करके रखना, नो जायरोस्कोप, और जायरोस्कोप प्लेयर यहां पर ऑफ करके रखना, कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, कैमरा रोटेशन वाइल रेडियस को, ठीक है। बाकी सारा सेंसिटिविटी मैं यहां पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग इस सेंसिटिविटी को यहां पर यूज कर सकते हैं कोई भी डिवाइस में। तो चलो आप लोग यहां से जाके स्क्रीनशॉट कर लो या फिर आप लोग यहां से कॉपी कर सकते हो। सो गाइस यहां पर बात कर लेते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया यहां पर, कि खड़े होकर कभी भी स्प्रे नहीं लगाना, जो कि इनएक्यूरेट स्प्रे बोला जाता है। आप क्राउच होकर लगा सकते हैं या फिर प्रोन होकर, लेकिन गाइस यहां पर प्रोन होकर स्प्रे लगाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप प्रोन होकर अगर आप किसी को स्प्रे वगैरह लगाते तो कोई भी बंदा आपको पट से कहीं से भी हेडशॉट लगा सकता है। आप क्राउच होकर आराम से इजीली मार सकते हो, और प्रोन होकर कभी कभी ग्रास वगैरह आ जाएंगे तो उसको फॉलो करके आपको दिखता भी नहीं होगा, तो आप क्राउच होकर हमेशा आप अच्छे से लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर लेआउट मैनेजमेंट में जाके मैं अपना सेंसिटिविटी कोड दे दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी कोड मिलेगा या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे आप लोगों को मैं वहाँ पर कोड दे दूंगा। तो कोड को कैसे लेना है, जस्ट यहाँ पर आपको जाना सर्च में, जाना लेआउट में जाने के, और सर्च में जाने के बाद जो मैं कोड दूंगा उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना, राइट। अब गाइस पेस्ट करने के बाद प्रीव्यू को जैसे क्लिक करोगे सारा सेंसिटिविटी मेरे यहाँ पर छप जाएगा, आपको दिख जाएगा कि मुकेश अचारा सोआईटी का सारा सेंसिटिविटी, और गाइस यहाँ पर यूज लेआउट आपको देखने को मिलेगा, उसको जस्ट क्लिक करके अपलोड टू क्लाउड अगर आप कर दोगे तो मेरा सारा सेंसिटिविटी एक ही क्लिक से आपका कॉपी हो जाएगा। बाकी कोई पर्सनल डिवाइस वगैरह का सेंसिटिविटी बनाना तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, तो सभी को रिप्लाई मिलता है, लेकिन थोड़ा सा रिप्लाई मिलेगा क्योंकि बहुत भाई लोग का मैसेज आ जाते हैं। सो होप करता हूं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नीचे को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।